राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और हम आए हैं आज अम्बाला शहर। तो बेटे का पेपर भी है, अम्बाला कैंट के आसपास ही है कहीं, तो वो पेपर दे लेगा। तब तक हम अपना ये करवा चौथ की जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। अपने लिए नहीं करनी है, दुकान के लिए करनी है, क्योंकि दुकान का सामान लेके जाना है। तो दोनों काम साथ की साथ ही हो जाएंगे। और साथ में ही हमारे जो पड़ोस की है, हमारी बिटिया रानी, वो भी आई हुई है। तो दोनों का ही पेपर है, तो वो इकट्ठा पेपर दे लेंगे। तब तक हम अपने सामान ले लेंगे। तो अभी नाश्ता वगैरह नहीं किया है। अम्बाला शहर हम पहुंच चुके हैं और पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर और काम करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकल आए थे तो नाश्ता नहीं किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं, बच्चे फिर पेपर देने के लिए चले जाएंगे। क्योंकि 10 दुकानों में घूमना होता है, अगर पहले पेट पूजा हो जाती है ना, उसके बाद फिर काम करना आसान हो जाता है। एक ही दुकान में तो जाना नहीं होता, 10 दुकानों में जाना है। तो जी, नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे जा चुके हैं पेपर देने के लिए, और हम यहाँ पे अपना जो सामान है वो लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ चूड़ी वाले की दुकान में, क्योंकि चूड़ियों का जो होता है, पहले माल निकलवाना होता है, उसके बाद बिल वगैरह लगता है, तो टाइम लगता है। तो सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो चूड़ियों का ही होता है, गुच्छे वगैरह, तोड़े वगैरह जो भी होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्लिप बना लिया है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं लगता। मुझे सामान लेना होता है और इन्हें सामान को उठाकर गाड़ी में रखना होता है, तो हम दोनों बिजी रहते हैं, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्लिप ले लिया है। तो जी, बने रहिए वीडियो में। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दें जी, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम तो खाएंगे नहीं, तुम अपना देख लो, है ना। जी, शाम के 7 बज रहे हैं और अब हम वापस घर जा रहे हैं। आजकल दिन छोटे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई रात बहुत ज़्यादा हो गई है और लेट भी हो गया है हमें, क्योंकि बच्चे पेपर देकर तो आ गए थे, लेकिन मेरा सामान ही नहीं अभी पूरा हुआ था। 10 दुकानों में घूमना, सामान लेना, बिल लगवाना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो बस अब घर चलते हैं जी, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो छोटा सा मेरा जो ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह जो भी की है दुकान के लिए। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।